राजेश भाटिया जी, साथ ही मार्केट एक्सपर्ट से स्टॉक पर भी हम रहेंगे राय। लेकिन आपको सबसे पहले बता देते हैं हर बार की तरह कि आखिरकार यूफ्लेक्स करती क्या है। तो यूफ्लेक्स जो है उसकी स्थापना 1985 में हुई थी, पैकेजिंग के कारोबार की ये सबसे बड़ी कंपनी है हमारे देश की। दुनिया भर में इनकी मौजूदगी है, बड़े बड़े प्लांट्स हैं, नोएडा और जम्मू में इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। इसके अलावा 9 देशों में पैकेजिंग फिल्म्स और मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स इन्होंने लगाए हुए हैं। इनके कुछ बड़े क्लाइंट्स के अगर नाम हम आपको बताएं तो आप जरूर पहचान जाएंगे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको, हल्दीराम, ब्रिटानिया, अमूल, ये सारे जो बड़े ब्रांड्स हैं ये सब पैकेजिंग यूफ्लेक्स से ही लेते हैं। तो नतीजे काफी शानदार रहे हैं यूफ्लेक्स के इस बार। सबसे पहले वो बताएं आपको, पिछली तिमाही जो हमने देखी सालाना बेसिस पर कंपनी का जो मुनाफा है वो करीब करीब दोगुना होता दिखा है। यहाँ पर 96% का अपसाइड दिखा है। नेट प्रॉफिट जो है वो 314 करोड़ पे पहुंच गया है। आय जो है उसमें हमने 65% की बढ़त आते हुए देखी है, ये 3460 पर पहुंच गई है। हमारे साथ भाटिया साहब मौजूद है। भाटिया साहब बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। काफी शानदार सेट ऑफ नंबर्स आपने पेश किए हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा कि इस तिमाही में जो ग्रोथ आपने देखी, जो इतने अच्छे नंबर्स पोस्ट किए, सबसे ज्यादा पुश कहां से मिला आपको? सबसे ज्यादा पुश जो ओवरसीज में हमने 4 नए प्लांट लगाए हैं उनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के बढ़ते तहत वो हमें वहां पे प्रोडक्शन सेल्स वॉल्यूम और ऑब्वियसली प्रोडक्शन सेल्स वॉल्यूम के चलते हुए टॉप लाइन 65% अप है वर्सेस लास्ट ईयर। तो ये सब जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन नए प्लांट से हमारे पास आई है, क्योंकि हमने जैसे पहले बता रहे थे कि हमारे पुरानी जो फैसिलिटीज हैं वो ऑलमोस्ट फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही थी, तो उसमें बढ़ोतरी का एक ही तरीका था कि आप अपनी कैपेसिटी बढ़ाएं और उसको उससे आपको एडिशनल वॉल्यूम्स मिले और एडिशनल रेवेन्यूज मिले, तो उसके चलते ये हमने सब अचीव किया है। टर्नओवर ग्रोथ 65% है क्वार्टर में, 38% वॉल्यूम ग्रोथ है। तो द डिफरेंस जो दोनों के बीच में डिफरेंस है उसमें प्राइस ग्रोथ है जिसकी वजह से मार्जिन बेटर हुए है और जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि पैट हमारा ऑलमोस्ट डबल है 314 करोड़ के ऊपर। बिल्कुल भाटिया साहब, तो काफी अच्छे नंबर्स जो हैं, जाहिर तौर पर डिमांड अच्छी रही होगी पिछले क्वार्टर में, क्या ये मान के चले हम आने वाली जो तिमाहियां हैं उसके लिए डिमांड का आउटलुक फिलहाल क्या है कंपनी का? सो डिमांड पेंडेमिक के शुरुआत से ही काफी रोबस्ट रही है। पहले तो एक डिमांड थी जब पैकेजिंग की डिमांड आई जब लॉकडाउन हुए और लोगों ने पैनिक बाइंग की, तो उसको उसके पैनिक बाइंग के चलते सब मैन्युफैक्चरर्स को एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करना था, शेल्फ्स जो खाली हो गए थे वो दोबारा उनके ऊपर उनको स्टॉक्स चाहिए थे, तो उसके चलते एकदम से पेंट अप डिमांड आया जो भी उसके बाद जब लॉकडाउन खुले तो थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ। बट अभी पैकेजिंग की कंजम्पशन थोड़ा बड़ा इसलिए भी है क्योंकि ई कॉमर्स में पैकेजिंग के बिना की पैकेजिंग का बहुत बड़ा अहम योगदान है, चाहे वो पहले फर्स्ट लाइन पे अगर आप वहां से कुछ वेजिटेबल्स भी या फ्रूट्स भी मंगवा रहे हैं तो वो भी पहले प्लास्टिक्स पैकेजिंग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में पैक होता है, उसके बाद आउटर कार्टन्स हैं, तो इन सब के चलते पैकेजिंग में अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। और वैसे भी जैसे हमारे देश में पैकेजिंग पे जैसे जैसे हम लोग और यू नो वी आर बिकमिंग मोर प्रॉस्परस नेशन, सो पैकेजिंग का रिक्वायरमेंट पर कैपिटा जो कि काफी कम है उसमें काफी आगे चलते आगे काफी स्कोप है जैसे जैसे हम लोग और प्रॉस्परस नेशन बनते जाएंगे। जो हमने आज देखा है कि यूरोप में या यूएस में जो पैकेजिंग की कंजम्पशन है वर्सेस इन इंडिया में, तो उस लेवल में अभी काफी गैप्स है जिससे हम यही कह सकते हैं कि स्कोप टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ द पैकेजिंग काफी है अभी हमारे कंट्री में। जी बिल्कुल, यहीं से मैं अगला सवाल लेकर आना चाहता हूं क्योंकि अच्छे नतीजे आपके रहे हैं, पैकेजिंग का स्कोप बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में मार्जिन्स की स्थिति क्या होगी? क्योंकि डिमांड तो जाहिर तौर पर बढ़ रही है लेकिन जो आपकी रॉ मटेरियल कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है, क्रूड जिस तरह से बढ़ रहा है पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है,
कितना असर पड़ता है आपकी मार्जिन पर, और आने वाले समय में आपको क्या लगता है, क्या आपको प्राइस हाइक करने की जरूरत पड़ेगी? देखिए प्राइस, क्योंकि डिमांड अच्छी है अभी, और अगर रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ते भी हैं तो सारी पूरी इंडस्ट्री में वो इमीडिएट पास ऑन हो रहे हैं सब प्राइस इंक्रीजेस, तो ये फैक्टर फिनोमिनन तब तक रहता है जब तक डिमांड में तेजी बरकरार रहे। अदरवाइज जब डिमांड कम हो और सप्लाई साइड ज्यादा हो तो कई बार प्रोड्यूसर्स वो कॉस्ट इंक्रीज को एब्जॉर्ब करके भी चलते हैं, बट अभी आज ये स्थिति नहीं है और आने वाले मीडियम रन में ऐसा नहीं लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो पिछले, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर हम ये देखें तो पिछले साल के पीरियड से वेरियस ज्यूरिसडिक्शंस में हमारी जो रॉ मटेरियल प्राइसेस हैं वो करीब 75% तक बढ़ी हैं। तो कहीं किसी, बिकॉज हम लोग काफी डिफरेंट देश में काम करते हैं, तो वहां पे अगर हम देखें तो हमारी जो प्राइसेस हैं वो पिछले साल के मुकाबले इस साल में काफी बड़ी हैं, बट फिर भी मार्जिन्स बेटर हुए हैं। वो सीधा ये स्थिति डिनोट करता है कि हालांकि रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़े हैं, वो पास ऑन हुए और उसके बावजूद भी मार्जिन्स बेटर हुए, तो इंडस्ट्री में एक मोमेंटम है, एक ग्रोथ मोमेंटम है जिसके चलते पॉसिबल टू पास ऑन द इंक्रीज प्राइस टू द कंज्यूमर्स। ओके, तो कंज्यूमर को पास ऑन करने की सहूलियत यहाँ पर जरूर है आपकी इंडस्ट्री में। आपने अभी बात की कि काफी सारे ग्लोबल जो आपका आपकी प्रेजेंस है उसने काफी हद तक कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पर आपकी ग्रोथ में पिछली तिमाही में। मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह का ज्योग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप रहा है पिछले क्वार्टर में और पहले, कहाँ से, कौन से रीजन से सबसे ज्यादा आपने ट्रैक्शन बढ़ते हुए देखा है, डिमांड बढ़ते हुए देखी है? तो देखिए प्लांट्स चाहे कहीं भी हो, एक चीज है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैकेजिंग की डिमांड या तो यूरोप में है या नॉर्थ अमेरिका में है, और ये दो मार्केट्स पे हमारा अच्छा फोकस है थ्रू आर प्लांट्स इन इजिप्ट, थ्रू आर प्लांट्स इन पोलैंड, थ्रू आर प्लांट इन हंगरी, एंड और जो हमारे नॉर्थ अमेरिका की मार्केट को हमारा यूएस का प्लांट और हमारा मैक्सिको का प्लांट केटर करता है। तो इन सब मेनली क्योंकि बड़ी मार्केट्स यही हैं, तो कंजम्पशन यहीं पे बड़ा है, और हम लोग कुछ जो सप्लाई चेन डिसरप्शंस रहे बिकॉज ऑफ द लॉजिस्टिक्स इशू, उसका भी हमें लोकल होने का एडवांटेज मिला, क्योंकि कुछ लोग थे जो पहले चीपर कॉस्ट ज्यूरिसडिक्शन से इन देशों में इंपोर्ट करते थे, वो फैसिलिटीज बीच में फ्रेट रेट्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेट्स, नॉन हाई फ्रेट रेट्स, उनकी वजह से भी हमें ये लोकल होने का एडवांटेज मिला। और लॉकडाउन में जब सप्लाई चेन एक बार डिसरप्ट हो गया तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए जरूरी था कि एक ऐसे रिलायबल सोर्स लें जो लोकल हो, जहां से उनको सप्लाई चेन डिसरप्शंस नहीं आए। अगर वो चाइना पे डिपेंड करें या साउथ ईस्ट एशिया पे डिपेंड करें फॉर देयर इंपोर्ट्स, उनको वहां लगा कि वहां पे उनके प्लांट्स में कुछ बाधा आ सकती है रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी में, तो उसके चलते हमें अच्छा एडवांटेज मिला कि हम लोकल थे, हम उनको कंटिन्यूस माल सप्लाई करते रहे, हम उनको ये भी एडवांटेज था उनसे, हमें उनको हमसे कि हमारे अगर हम 9 देशों में हैं तो हमारी उनको ये कमिटमेंट थी कि अगर हम बाय चांस किसी देश में अगर हमारा प्लांट बंद भी हो जाए तो हम किसी दूसरी इस लोकेशन से भी उनको सप्लाई कर सकते हैं, वो एडवांटेज के चलते हमें ओवरऑल मोमेंटम अच्छा। बिल्कुल, तो करेक्ट, तो आप जो लोकलाइजेशन आपने किया है ग्लोबली अलग अलग जगह पर जाकर उसका फायदा मिला है। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कैपेसिटी पर पूछना चाहूंगा यहाँ पर भाटिया साहब, आपकी एक नई एसेप्टिक लिक्विड पैकेजिंग की कैपेसिटी सानंद में आने वाली है, उसके अलावा पैकेजिंग फिल्म लाइन जो है कर्नाटका और दुबई में आने वाला है, ये सब कब से ऑपरेशनल हो जाएंगे ये सब? तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एसेप्टिक पैकेजिंग इस क्वार्टर में ही कर लें, शुरुआत उसकी कर सकते थे बट थोड़े से सप्लायर की तरफ से
कोविड के चलते थोड़े से चैलेंजेस आ गए, कीप ऑन करना चाहते थे, नहीं तो फर्स्ट क्वार्टर में उनको उसको शुरू कर लेंगे। जो दुबई में फिल्म प्लांट है उसको भी फर्स्ट क्वार्टर में शुरू करने की बात है, और जो कर्नाटका में प्लांट है वो पूरा प्लांट, उसके दो पार्ट है, एक सीपीपी फिल्म्स और एक बॉपेट फिल्म्स, ये दोनों लग के हम Q3 तक हमारा टारगेट था, बट हो सकता है हम इसको Q2 में अचीव कर ले FY23। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाटिया साहब समय निकालकर आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। राजेश भाटिया ग्रुप CFO यहाँ पर बताते हुए यूफ्लेक्स के कि किस तरह से उनको फायदा मिला है, काफी शानदार नंबर उन्होंने पेश किए हैं। पिछली तिमाही में साल दर साल के हिसाब से मुनाफा ऑलमोस्ट दोगुना हो गया है, और जो अलग अलग कंट्रीज में उनके प्लांट्स हैं उससे उन्हें काफी फायदा काफी सपोर्ट मिला है। स्टॉक में भी हमने काफी अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा है, 3-4% ऊपर यूफ्लेक्स है, बाजार के साथ चलने की कोशिश। हमारे साथ अविनाश गोरक्षकर जुड़ गए हैं, उनसे जान लेते हैं कि अब क्या करना चाहिए इस स्टॉक में आगे। अविनाश बहुत बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर आपका। शानदार नंबर यूफ्लेक्स के, और मैनेजमेंट बता रहा है किस तरह से सपोर्ट मिला उनका जो ग्लोबल प्रेजेंस है उसकी वजह से, प्राइस जो हाइक हो रही है, कच्चा माल बढ़ रहा है, वो भी वो पास ऑन कर पाते हैं अपने कस्टमर्स को इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए यूफ्लेक्स पर फिलहाल क्या व्यू होगा आपका? सौमित्र, मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो काफी अच्छे आ गए हैं, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी अच्छी है। सबसे बड़ी बात ये नोटवर्दी है कि इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ने के बाद भी इनका जो कॉन्फिडेंस है कि प्राइस इंक्रीज ये करके अपना कॉस्ट बर्डन पास कर सकते हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट बात है। हमारा मानना है कि हो सकता है कि क्रूड का भाव अगर सिग्निफिकेंटली बढ़ता है तो थोड़ा बहुत मार्जिन में दबाव आएगा, बट जिस तरह के इनके डोमेस्टिक और ग्लोबल ऑपरेशन है, मुझे लग रहा है कि वॉल्यूम ग्रोथ आने वाले सेक्टर में क्वार्टर्स में भी काफी स्ट्रांग होने की अपेक्षा रहेगी। तो जिनको कम से कम 6-12 months का नजरिया लेना है, मेरे ख्याल से पैकेजिंग स्पेस में ये काफी वेल इंटीग्रेटेड प्लेयर है और काफी अच्छे क्लाइंट जिनके पास है। होपफुली कंजम्पशन का जो थीम है प्लस जो पैकेजिंग का जो आउटलुक है वो हमको लग रहा है काफी अच्छी तरह से आने वाले 6-12 months में आगे बढ़ेगा। तो डेफिनेटली अच्छी लॉन्ग टर्म पिक है, कोई भी गिरावट अगर मार्केट में आती है तो इसको डेफिनेटली एक्युमुलेट करना चाहिए। ओके, बाजार में गिरावट हमारे साथ मौजूद हैं और बाजार काफी वॉलेटाइल है, एक व्यू उस पर भी लेना चाहूंगा मैं आपसे। हमने देखा 17,400 का लेवल बहुत मुश्किल होल्ड कर पा रहा है निफ्टी इस समय, एक दिन जब हमने बहुत ज्यादा गिरावट देखी, एक दिन बहुत तेजी देखी और अब